डायरेक्टर मिलन लुथरिया, ताहिर राज भसीन, अंजुम शर्मा और अनुप्रिया गोयंका सुल्तान ऑफ दिल्ली को लेकर पहुंचे नवाबों के शहर लखनऊ। डिज्नी हॉटस्टार ने हाल में ही अपनी सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली को लॉन्च किया है, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया और अपना भरपूर प्यार लुटाया। सुल्तान ऑफ दिल्ली असेंशियल बाय अर्बन रे पुस्तक पर आधारित है। इस सीरीज का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है और इसके निदेशक हैं मिलन लुथरिया। इसे सुपर्ण वर्मा द्वारा सह निर्देशित किया है और वही इसके सह लेखक भी हैं। इस मास एंटरटेनर सीरीज को प्रमोट करने के लिए निर्देशक मिलन लुथरिया इस सीरीज के प्रतिभाशाली कलाकार ताहिर राज भसीन, अंजुम शर्मा और अनुप्रिया गोयंका के साथ नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे। यह सीरीज आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने के लिए तैयार है जहां जिंदगी दांव पर लगी है और इस खेल को अपने पक्ष में करने के लिए आपको ताकत की ज़रूरत है। सुल्तान ऑफ दिल्ली में मौनी रॉय, विनय पाठक, निशांत दहिया, हरलीन सेठी और मेहरदीन परिजादा भी प्रमुख भूमिकाओं को अदा कर रहे हैं। सुल्तान ऑफ दिल्ली के साथ 1960 के दशक की दिल्ली का सफर पर चलने के लिए हो जाइए तैयार। इस सीरीज को एक्सक्लूसिव रूप से सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा है। और हमारा जो मैसेज है वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। चाहे वो जो सीन जिसका आपने जिक्र किया, जो कश एक्शन जो शूट आउट है वो हो, या ट्रेन वाला सीक्वेंस हो, या एक शिप पे एक्शन है, तो ये सिर्फ आइडिया लेवल पे जब ये मेरे सामने ये चीज खाका नजर आ रहा था तो ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड। सर, सुल्तान ऑफ दिल्ली की काफी सराहना हो रही है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि वंस अपॉन इन टाइम मुंबई और डर्टी पिक्चर को मिक्स कर दिया गया है और उसके बाद जो बना है वो है सुल्तान ऑफ दिल्ली। क्या कहना चाहूँगा मैंने अभी कहा कि हर फिल्म मेकर कुछ चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। जैसे कि अगर आप बैकग्राउंड स्कोर देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो जोन, या डायलॉग बाजी हो, या अब इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि किताब का नाम ही था सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो सुल्तान मिर्ज़ा का कैरेक्टर आइकॉनिक है, तो मैंने अपने लोगों से कहा कि यार ये कहीं मुझे घूमता हुआ आ गया है वापस वो कैरेक्टर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस फिल्म के 10 साल बाद एक किताब मेरे टेबल पे आएगी जिसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये इसमें कुछ इत्तेफाक भी है, कुछ मेरे चॉइसेस भी हैं, और इस बिज़नेस में मैंने एक चीज़ सीखी है कि ज़्यादा सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है, जो सामने है वही सत्य है और उसी को अपना लो, चाहे वो किसी से मिलता हो या ना मिलता हो। अगर आप किसी भी फिल्म मेकर की फिल्मोग्राफी देखें तो कई बार आप देखेंगे कि वो एक चीज़ को दोबारा या 3-4 बार उसको यूज़ करते हैं अपने करियर में, तो मैं भी उनमें से एक हूँ और मुझे ये इस चीज़ का काफ़ी फ़ख्र है कि जो भी किया हमने वो हमने बेझिझक किया है और ऑडियंस भी उसको बेझिझक इंजॉय करे। कंपैरिजन अगर होता है तो अच्छा है, चर्चा होगी। दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें जिनका नाम, तीनों प्रोडक्ट्स जिनका आपने नाम लिया सुल्तान ऑफ दिल्ली के साथ, बेहतरीन अप्रिसिएशन मिला उनको, बहुत लोगों की दुआएं मिली, तो बस इसको भी अपने दुआ में याद रखी। और उन्होंने बोला कि नहीं, दे आर सो हैप्पी, लाइक पीपल वर फॉन्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ सिनेमा, नो दोस फिल्म्स जो कमर्शियली गैंगस्टर बेस्ड फिल्म्स रहती हैं, जो उनके शौकीन रहे हैं जो फिल्म मेकर्स, उनका मुझे फ़ोन आया, कहते हुए कि वी आर सो ग्लैड दैट ही स्टार्टेड दिस होल लाइन ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑन OTT, बिकॉज़ OTT हैड बिकम वेरी रियलिस्टिक इन इट्स ओन अपील। ही सेड एक नया स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट अब OTT पे भी वापस लाया जा रहा है, एंड अब लोग कमर्शियल होने का, जो कमर्शियल एस्पेक्ट को अप करने का, जो रियलिज्म से जैसे चलता है, जब से कह रहे थे कि अ लिटिल हायर देन रियलिटी, नॉच हायर, यू नो, उसको करने का अब अटेम्प्ट करेंगे। सो मोर एंड मोर सच स्टोरीज विल बी टोल्ड इन दिस फैशन। हर चीज़ की अपनी जगह होनी चाहिए, रियलिस्टिक सिनेमा के भी, नीश सिनेमा के भी, इस तरह के कमर्शियल सिनेमा के भी, स्लैपस्टिक की, हर चीज़। दिक्कत तब होती है कि जब एक ही तरह की चीज़ भेड़ चाल में बनने लगती है, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मुद्दा, बड़ी बात यही है। और अगर मैं उसी मुद्दे को पकड़ूँ कि हर चीज़ एक जैसी दिखने लगे, तो मिलन सर की कहानियों की खूबसूरती हमेशा ये रही है कि जो सब किरदार रहते हैं वो एक ग्रे में रहते हैं, कोई भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। और मैं
होप करता हूँ कि ऑडियंस भी इससे कुछ कुछ सीखे कि हर चीज़ सच और झूठ सही या गलत में नहीं बांटी जा सकती। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।